मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2020 के लिए फरवरी में जारी हो सकता है पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन। इसके लिए पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ सालों में पुलिस भर्ती पर चुनावी कारणों के लिए रिक्त पदों पर भर्ती बिल्कुल नहीं निकाली थी। पुलिस भर्ती का तो इस साल कुछ अता पता ही नहीं था, लेकिन ताज़े सूत्रों के मुताबिक अब बेरोजगारों के लिए एक सुनहरा मौका फरवरी 2020 तक आने वाला है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस भर्ती का एक बड़ा कदम, जो कि आने वाले समय में बेरोजगारों युवाओं के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। मध्य प्रदेश सरकार अगले ही कुछ दिनों में रिक्त पदों पर पुलिस भर्ती 2020 के लिए नोटिफिकेशन जल्दी जारी कर सकती है। मध्य प्रदेश पुलिस रिक्वायरमेंट 2020 के लिए सरकारी भर्ती में अब तक मध्य प्रदेश में देखा जा रहा था कि पंचायत चुनाव के कारण ही भर्ती प्रक्रिया में समस्या लगा। अब चुनावी मुद्दों के कारण शासन पुलिस भर्ती पर सरकार ने दिसंबर में भी विभिन्न नोटिफिकेशनों को लेकर कोई बोर्ड द्वारा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रकाशित नहीं किया है, जिसके चलते अब तक 2020 तक मध्य प्रदेश के युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद हम आपको बता देते हैं कि शासन द्वारा पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के चलते ही मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि पिछले कुछ सालों में पुलिस के निर्धारित पदों पर सरकार अब जल्द से जल्द पुलिस चयन प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। अभी तो देखा जा रहा था, इस प्रकार के सिलेबस में सामान्य तार्किक योग्यता, जिसे रीजनिंग, इसके साथ ही मैथमेटिक्स, सामान्य ज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, इतिहास, संस्कृति, समसामयिक विषय, इसके बाद सिलेबस में कुछ बदलाव जो कि निम्नलिखित हैं। अब पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती प्रक्रिया में मध्य प्रदेश राजभाषा हिंदी तथा सामान्य अंग्रेजी को भी शामिल कर लिया है, तथा किसी भी प्रकार से सिलेबस में बदलाव होने पर हम आपको तुरंत नोटिफिकेशन द्वारा सूचित करेंगे, जिसमें शैक्षणिक योग्यता, आवेदक के पास 10वीं तथा किसी भी अन्य मान्य संस्था की डिग्री होना आवश्यक है, तथा अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नीचे क्लिक करके आप देख भी सकते हैं। चयन प्रक्रिया 2020 के लिए आवेदक को ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा। इसके साथ ही फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के परिणाम के पश्चात ही कैंडिडेट का चयन होगा। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आपको व्हाट्सएप लिंक नीचे दी हुई है, उससे आप व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आगे की जानकारी पा सकते हैं।